नमस्कार दोस्तों, आपका परिचय देना मैं समझता हूँ सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, फिर भी मैं छोटा सा परिचय बता दूँ कि आप प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल जी हैं, जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के उस समय में पढ़ाई की है जिसको हम आज लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का स्वर्ण युग कह सकते हैं। आपने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज को जवान होते देखा है, यानी जिसको हम स्वर्ण युग कहते हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर जी का टाइम, उनका आना, एक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना, एक कलाकार के रूप में लखनऊ और उत्तर प्रदेश में एक उर्वर जमीन तैयार करना, और उसी समय आपका एक विद्यार्थी के रूप में लखनऊ आर्ट्स कॉलेज आना, सब एक साथ हुआ है। बहुत सारा समय आपने तमाम नामी कलाकारों के साथ रह के, कर्मयोगी कलाकारों के साथ रह के लखनऊ की कला, उत्तर प्रदेश की कला और इस देश की कला, और फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला को पल्लवित पुष्पित होते देखा है। आपके खाते में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनेक पुरस्कार और सम्मान लगातार रहे हैं, इसलिए कि आपने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में जो कुछ शिक्षा ग्रहण की उसमें बहुत कुछ अपना जोड़ते हुए, अपनी माटी की खुशबू जोड़ते हुए विश्व भर में प्रसारित किया है। आपकी एक अहम भूमिका रही है उत्तर प्रदेश को एक खास मुकाम दिलाने में, कला के वैश्विक पटल पर एक पहचान दिलाने में। बहुत कुछ ऐसा भी है जो आज अगर आपसे हम नहीं जानेंगे तो अतीत में हम झांक नहीं पाएंगे। अतीत के अनेक गवाक्ष आपकी बात से, आपकी स्मृतियों में जाकर, आपके माध्यम से ही हम खोल पाएंगे। तो आज आपसे कुछ जानेंगे, इसके पहले मैं बता दूं, मैं अवधेश मिश्र हूं, आपका शिष्य हूं, चित्रकार हूं, कुछ लिखता पढ़ता भी हूं, अध्यापन करता हूं। आज सर से हम उस युग के बारे में ही बात करेंगे जिस युग को इस 20वीं सदी की कला में सबसे अहम स्थान हम लोग रख सकते हैं और उसको देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, हम अगली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं, पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए। सर, हम यह जानना चाह रहे हैं कि जब आप लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में आए तो क्या वातावरण था, खास्तगीर जी का आना और उनका एक कला का धरातल तैयार करना, इन सब बारे में क्या स्मृतियाँ आपके पास हैं? देखिए, उस वक्त की जो प्रतिक्रिया मैं अपनी बताऊँ तो सच तो ये है कि मैं अमरोहा जैसे एक छोटे शहर में पला बड़ा हुआ और आर्ट्स कॉलेज में आने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि आर्ट्स कॉलेज की शिक्षा कहीं दी जाती है। मैं ये जानता था जो हाई स्कूल में मेरे टीचर थे वही आर्ट होता है, वही आर्ट होता है और वहीं तक कला सीखी जाती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी दुर्घटना मेरे साथ हुई। मैं इलाहाबाद पढ़ने चला आया आगे की पढ़ाई के लिए और मेरे परिवार के लोग चाहते थे कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, डॉक्टर सर्जन बनूं, ऐसा चाहते थे, क्योंकि मेरे एक भाई ऑलरेडी डॉक्टर थे, फिजिशियन कर रहे थे वो। तो मैं इलाहाबाद में अपने मामा के साथ रह के पढ़ाई कर रहा था और वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, तो कला में रुचि मेरी थी और मैं थोड़ा बहुत कुछ करता रहता था, पर मुझे नहीं मालूम था कि मैं इसको लेकर कहाँ तक आगे तक जा सकता हूँ, पर हाँ कुछ ना कुछ मैं करता रहता था कला में। और वो मामा ने उसमें थोड़ी रुचि दिखाई और एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई कि शाम को किसी व्यक्ति को अपने साथ लेके घर चले आए चाय पर, और वो व्यक्ति कोई नहीं था, सिर्फ सुधीर रंजन खास्तगीर खुद थे। अरे वाह। इंटरव्यू नागर साहब का था जिसके लिए खास्तगीर साहब स्पेशल एक्सपर्ट होकर आए थे जी। और
मामा जी उनको शाम को चाय पिलाने उस समय तो आर्ट्स कॉलेज में आ चुके थे वो खासगी साहब आ चुके थे ये 50 उसके अगले साल ही मैं आर्ट्स कॉलेज चला गया था वो 56 में आया जी हाँ 57 में मैं आ गया तो खासगी साहब मामा जी मुझसे कहा कि भाई इनको दिखाओ तुम क्या कर रहे हो काम तो खासगी साहब ने मेरा काम देखा और मुझसे बोले तुम आर्ट्स कॉलेज क्यों नहीं आ जाते हो तो मैंने कहा मेरे पेरेंट्स तैयार नहीं हैं तो मुझे एक उन्होंने अपनी किताब दी माई सेल्फ जी बोले इस किताब को पढ़ लो तो फिर धीरे से उन्होंने मुझसे कहा अगर तुम गलत नहीं हो तो अपने हक के लिए लड़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बस इतना उन्होंने कहा और ज़्यादा कुछ नहीं कहा यानी संकेत दे दिया कि आप संकेत दे दिया अगले वर्ष मैं आर्ट्स कॉलेज में चला गया वहाँ पर बड़ी मुश्किल से लोगों को तैयार किया मैंने मेरे मामा ने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया और मुझे आर्किटेक्चर में एडमिशन दिला दिया गया क्योंकि लोगों की यही अब धारणा थी कि एक स्कूल मास्टर हो जाऊँगा मैं आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने के बाद जो मेरे परिवार के लोगों को मान्य नहीं था कि मैं स्कूल मास्टर बनूँ बहरहाल आर्किटेक्चर में जाने के बाद वहाँ पर एडमिशन मेरा हुआ और सारा वक्त मैं फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में गुजारता था वहाँ यहाँ भी गलत ही चयन हो गया हाँ गलत चयन हो गया तो कुछ विषय तो आर्किटेक्चर के मुझे रुचिकर लगे कुछ मुझे नहीं लगे बहरहाल मेरी जो गतिविधियाँ देखी और जो सब कुछ देखा तो खासगी साहब ने एक दिन मुझसे बुला के कहा कि तुम फाइन आर्ट में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हो तुम अच्छा काम कर रहे हो और हमारे जो टीचर्स थे एस बी दत्ता साहब उन्होंने भी मेरी रिकमेंडेशन ये की कि ये गलत जगह आ गया है ललित कला में इसको होना चाहिए अगले वर्ष मैं ललित कला में शिफ्ट हो गया और वहाँ से मेरी शिक्षा शुरू हो गई खैर ये तो देखिए मेरी एक व्यक्तिगत बात हुई जहाँ पर मैंने आर्ट्स कॉलेज में प्रवेश लिया व्यक्तिगत तो हुई पर हाँ। आपकी मुलाकात खास्तगीर साहब हाँ, से जी हुई। जी ये इम्पोर्टेंट है कि हुई और तब से आपकी स्मृतियाँ हैं तब से आपके अनुभव हैं पर आर्ट्स कॉलेज उस समय जब मैंने आर्ट्स कॉलेज को देखा तो कोई तुलनात्मक दृष्टि से तो मैं नहीं देख पाया उसको क्योंकि मुझे पता ही था आर्ट्स कॉलेज क्या चीज़ होती है जो भी कुछ मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा था और अच्छा। नया था मेरे लिए बिल्कुल एक नया अनुभव था पर हाँ ये था कि आज जब मैं उस समय की आर्ट्स कॉलेज की कल्पना करता हूँ इतना व्यवस्थित था एक तो बाढ़ के बाद बहुत कुछ हमारी ज़मीन चली गई हमारे साथ में क्योंकि आर्ट्स कॉलेज का विस्तार गोमती के तट तक था जी बीच में बंदा नहीं था बीच में एक सड़क ज़रूर थी उसके बाद जो थी हमारे फुटबॉल फील्ड हुआ करती थी वहाँ तक होती थी और ये आर्किटेक्चर वाला हिस्सा भी जो था आर्ट्स कॉलेज का ही हिस्सा था और उसके तरफ स्पोर्ट ग्राउंड थी तो उस वक्त आर्ट्स कॉलेज का पूरा जो प्रांगण था बहुत भव्य था और बहुत व्यवस्थित और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज था और बहुत सारे पाठ्यक्रम चल रहे थे तो बहुत सारे अध्यापक थे बहुत सारे वहाँ पर कुछ क्लब्स वगैरह भी नहीं वो तो खासगी साहब ने बाद में किए तो काफ़ी व्यवस्थित था सब कुछ वो तो किसी को भी चमत्कृत करने के लिए काफ़ी था और एक अच्छी बात वहाँ पर ये थी कि जितने अध्यापक थे सवेरे से लेकर आखिर तक शाम तक उपस्थिति उनकी रहती थी और वो स्वयं भी काम करते रहते थे बच्चों को भी काम कराते थे साथ में स्वयं काम करने से तो प्रेरणा बच्चों को मिलती ही रहेगी इनडायरेक्टली एक डेमो भी मिलता रहेगा और देखेंगे भी क्या क्या करना है अब यहाँ पर आपको बीच में थोड़ी बात काट के एक बात बताना चाहता हूँ जी ये मुझे वहाँ पर पता चला लखनऊ उन्हीं दिनों पता चला चर्चा में थी ये बात जिसको आज भी मुझे इस पर हर्ड है कि खासगी साहब का जब कि जब नियुक्ति हुई आर्ट्स कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पर तो वो दून स्कूल में अध्यापक थे जी दून स्कूल बच्चों का स्कूल था मतलब एक स्कूल था वो और उसके बाद इतने बड़े कॉलेज में भारत के चार प्रमुख आर्ट्स कॉलेज में एक कॉलेज के प्रधानाचार्य होकर आ रहे हैं तो स्थानीय कलाकारों के बीच में थोड़ा सा रोष था इसके बारे में उनका ऐसा कहना था कि स्कूल मास्टर क्या यहाँ पर आएगा क्या पढ़ाएगा बच्चों को तो एक तरीके से विरोध था जी अब बहुत सी चीज़ों का मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा पर हाँ एक बैठक हुई लखनऊ में उस बैठक में काफ़ी सारे कलाकार सारे लगभग सभी प्रमुख कलाकार शामिल थे और
उस बैठक में एक ज्ञापन ये मुख्यमंत्री को देने के लिए बात चली। कौन कौन कलाकार रहे होंगे उस समय? अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई बात नहीं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस सूचना ही देना पर्याप्त है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर पर्दा पड़ा रहना चाहिए। ठीक है, मैं मेरा सोचना ऐसा है। जी जी, जी। खैर बहरहाल वो ज्ञापन की बात हुई कि एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाए, और ये भी तय हुआ कि ज्ञापन लिखा जाए। लिखा गया ज्ञापन, सब कुछ तैयारी हुई, सिग्नेचर कैंपेन भी एक हद तक शुरू हो गए थे, और उसमें थोड़ा समय लग रहा था सिग्नेचर कैंपेन वगैरह सब कराने में। इसी बीच में एक अनाउंसमेंट हुआ, खासगी अवार्डेड पद्मश्री। तो जैसे ये पद्मश्री का अनाउंसमेंट हुआ तो सब के सब तरशाई गए। एक बात यहाँ और भी कहना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब खासगी साहब लखनऊ आए थे, अकेले थे वो, बेटी उनकी शांति निकेतन चली गई थी पढ़ने, पत्नी उनकी थी नहीं, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो अकेले आए थे, और उनके साथ उनके दो कुत्ते आए थे जो पालते थे। स्टेशन पर कोई टीचर उनको रिसीव करने नहीं गया, आर्ट्स कॉलेज के 3 छात्र उनको लेने गए स्टेशन पर, और शाम को खाना उनका जो था, जो छात्रों के लिए मेस थी हॉस्टल की, वहाँ से बच्चों ने बनवा के उनके लिए खाना लेकर गए थे, और 2-3 दिन खासगी साहब ने बदलू के हाथ की बनाई हुई रोटियाँ और सब्जी खाई। ये चीज़ थी, पर उसके बाद से चीज़ें साथ। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि जिस व्यक्ति का इस स्तर पे विरोध हुआ, उस व्यक्ति ने इस बात को कभी अपने काम में नहीं आने दिया। बड़े निष्पक्ष भाव से उन्होंने सारे निर्णय लिए, कार्य में नहीं आने दिया, व्यवहार में नहीं आने दिया, व्यवहार में नहीं आने दिया, बड़े निष्पक्ष भाव से लिए, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बाहर से लोग ला के थोप दिए वहाँ पर। जी जी, स्थानीय लोगों को ही उन्होंने मौका दिया जो सक्षम थे आर्ट्स कॉलेज में प्रमुख प्रमुख स्थानों पर। एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा दिल था उस आदमी का, और आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये दून स्कूल की उनकी ट्रेनिंग थी जी जी, जो उन्होंने आर्ट्स कॉलेज को एक बहुत बढ़िया एकेडमिक एटमॉस्फेयर दिया। उन्होंने वहाँ पर आते ही तो देखा कि छात्र जो होते हैं बड़े ऊर्जावान होते हैं यंग एज में, तो जो रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटी है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है उनको बिजी रखने के लिए जी। उनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने ढेर सारी संस्थाएँ सोसाइटीज़ बना डाली, इसमें अध्यक्ष अध्यापक को छात्र को सेक्रेटरी बना दिया, जैसे फोटो सोसाइटी बना दी, स्केचिंग क्लब बना दिया, ड्रामेटिक सोसाइटी बना दी, म्यूजिक सोसाइटी बना दी, इस तरह आर्किटेक्चर सोसाइटी, इस तरह की बहुत सारी सोसाइटियाँ उन्होंने बना डाली, और सब सोसाइटियों की गतिविधियाँ शुरू हो गई अध्यापकों के निर्देश में, और छात्र उसमें करके काम करते थे। मैंने भी जो फोटोग्राफी सीखी वो फोटो सोसाइटी में ही सीखी, वही फोटोग्राफी सोसाइटी में सीखी, और अध्यापकों से नहीं छात्रों से ही सीखी। तो हमें एक बहुत बढ़िया एकेडमिक स्मार्टमेंट था, और मैं आज जब मैं उस समय को याद करता हूँ, आज 81 वर्ष मेरी आयु हो गई है, इन 81 वर्षों में वो जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में छात्र जीवन के मेरे 5 वर्ष थे, जितना व्यस्त मैं तब रहा हूँ, जितना समय का सदुपयोग मैंने तब किया है पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में नहीं किया। और इसका प्रमाण मेरे वो सारे काम जो आज भी मेरे पास बचे हुए हैं छात्र समय के, वो हैं, जबकि बहुत कुछ नष्ट हो गया, जैसे स्केचेस वगैरह थे वो सब न्यूज़ प्रिंट पे बने थे, हज़ारों की तादाद में थे, वो सब नष्ट हो गए, उनकी लाइफ नहीं, बहुत सा काम बट गया, बहुत सा दे दिया हम लोगों ने, कुछ बिक गया, वो सब तो नहीं रहा, पर जो बचा है मेरे पास आज, वो भी अगर आप देखें तो आपको लगेगा कितना काम हम लोग करते थे वहाँ पर। नहीं, आपका तो देखा है पोर्ट्रेट स्टडी, लाइफ स्टडी, नेचर स्टडी, पोट्री सिरेमिक भी हमने देखा है, फोटोग्राफी के इतने सारे तमाम विभूतियों के फोटोग्राफ्स देखे हैं, और बहुआयामी व्यक्तित्व तो रहा है, बहुत सारे काम के भी रास्ते रहे हैं, बहुत सारी विधाओं में काम किया है आपने, तो हमें लगता तो है मैं उसका भी कारण खासगी साहब ही था जी। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ उस वक्त कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट था, और बहुत सारे क्राफ्ट के पाठ्यक्रम वहाँ पर चलते थे जी जी जी। तो खासगी साहब ने देखा कि तकनीकी दृष्टि से तो वहाँ के अध्यापक लोग परफेक्ट थे,
बहुत ही सक्षम थे, मतलब इतने परफेक्ट थे कि बाहर से लोग ब्रॉन्ज कास्टिंग वगैरह सीखने आते थे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में। लगता है सरवरी राय चौधरी जी भी आए थे यहाँ? सरवरी राय चौधरी शायद आए थे, जैसे बिमल दास गुप्ता आए थे, धनराज भगत आए थे, सुधीर खासगीर स्वयं आए थे कभी छात्र होकर यहाँ पर, कृपाल शेखावत आए थे, एक इंडोनेशियन आर्टिस्ट आफंदी भी आए थे यहाँ पर कुछ समय रहे, तो बहुत से लोग आए थे जिसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। डी पी राय चौधरी जी तो यहाँ थे ही। डी पी राय चौधरी नहीं, हिरणमय राय चौधरी, और हिरणमय उनके डी पी राय चौधरी थे, पर मैं ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ पढ़ते हैं, उनके छात्र लखनऊ में थे या बनारस वहाँ पर पटना में थे या कलकत्ते में, वो मुझे नहीं मालूम है उसका, पर हाँ ये ज़रूर है कि डी पी राय चौधरी उनके छात्र थे। जी जी जी। तो खास्तगीर जी के समय पर आर्किटेक्चर और आर्ट्स कॉलेज तो एक ही था? हाँ एक ही था, आर्किटेक्चर आर्ट्स कॉलेज एक ही था। तो ये तो खैर बाद में स्थिति आई जब यूनिवर्सिटी के मर्जर की बात आई, वो तो खैर बाद की बात है। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि इतना रुचिकर था आर्ट्स कॉलेज की सारी गतिविधियाँ, जैसे बहुत सारे आयोजन होते थे उन्होंने स्पोर्ट्स को और इन सब चीज़ों को भी, हॉबीज़ वगैरह सबको भी वो काफ़ी दिया। एक वॉलपेपर उन्होंने इस्टेब्लिश किया, एक स्कूल की मैगजीन उन्होंने शुरू की जो कभी नहीं चल रही थी, रचना करके रचना पत्रिका निकाली वॉलपेपर से, मैं भी कुछ समय तक जुड़ा रहा, तो उस पर वीकली हम लोग वॉलपेपर चेंज करते थे, जितनी साहित्य की अभिरुचियाँ कलाकारों में छात्रों में होती थी वो कविता या छोटी कहानी सब लिखते थे, या उनके स्केचेस वगैरह होते थे वो सब, और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी उस पर शेयर करते थे। जी हाँ पूरा उन्होंने मौका दिया, और उन्होंने एक एक जनरल डेवलपमेंट जो छात्र का था उसके ऊपर बहुत जोर दिया उन्होंने, स्कूल्स में ये ट्रेनिंग होती थी। जी हाँ जी, और कहीं ना कहीं वो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में जानते भी थे। मतलब उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी ये कौन स्टूडेंट है, उनको पता रहता था कौन स्टूडेंट क्या है, वो उनकी हमेशा दृष्टि रहती थी छात्रों के ऊपर, कौन क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके काम कर रहे हैं, और वो ये भी देखते थे कि छात्र स्टूडेंट के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि कुछ अध्यापकों के साथ मेरा टकराव हो गया, तो खासगी साहब की जो भूमिका थी कैसे हैंडल करना है वो अद्भुत थी। जी जी, विदाउट हर्टिंग आइदर ऑफ अस ही सॉल्व द प्रॉब्लम। ना कहीं अध्यापक के स्वाभिमान पे चोट लगी, ना मुझे कहीं हर्ट फील हुआ, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया उन्होंने। मतलब ये विशेषता थी उनकी, क्योंकि वो कंसर्न फील करते थे, वो दोनों के प्रति कंसर्न फील करते थे, अध्यापक के भी प्रति कंसर्न फील करते थे, छात्रों के प्रति भी कंसर्न, तो स्वाभिमान भी बचा रहे और छात्र अपने काम पे लगा रहे। जी हाँ, हर्ट ना हो। अब उन्होंने बहुत अच्छी कार्यक्रम शुरू किया था कि एक ओपन एयर फेयर का और स्पोर्ट्स को उन्होंने कंबाइंड करके दो दिन का एक कार्यक्रम हुआ करता था, कला मेला वही था। बाद में उसको कला मेला कहा गया, शुरू में ओपन एयर फेयर करके उन्होंने इसको किया था। तो उसमें जिन छात्रों की कुछ अभिरुचियाँ होती थी, लड़कियाँ थी बहुत सारी, वो कुछ निटिंग विटिंग करती थी, कुछ एम्ब्रॉयडरी करती थी या कुछ निकनेक्स बनाते थे, तो वो सब उनको एक सीलिंग थी, दस रुपये के अंदर उसको बेचना होता था, तो और वो बहुत कुछ बिक जाता था उसमें, तो शहर के बहुत सारे लोग मानिंद लोग आते थे, आते थे उसको खरीदारी करते थे, कुछ खाने पीने की स्टॉल भी होती थी, एक वहाँ पर पॉन्ड बन गया था, एनुअल एग्जीबिशन भी हुआ करती थी। एंड वहाँ पर देखिए दो एग्जीबिशन होती थी वहाँ पर। खासगी साहब ने एक एक्स स्टूडेंट के लिए भी उन्होंने सोचा, कहीं ना कहीं वो बहुत जागरूक थे, जो आज हम एक एलुमनाई एसोसिएशन बनाई है, इसकी नींव तो खासगी साहब ने ही डाल दी थी। उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो एलुमनाई हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन हमको दें, और एक समय तक एलुमनाई की इन्फॉर्मेशन आर्ट्स कॉलेज में कलेक्ट होती गई, अब पता नहीं वो कहाँ गया, रजिस्टर क्या हुआ, पर उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और एक बार महापात्र जी ने यही बात बताई थी जो आप आज बता रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, कि वो मेरा नाम लिख गए थे रजिस्टर में कि अध्यापक की जरूरत होगी तो इसको बुलाया जा सकता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल वैसा वो मेरे लिए भी यही करके गए थे। जी जी जी। तो खासगी साहब ने ये सब शुरुआत की, और जो हमारी क्वार्टरली एग्जीबिशन होती थी उसमें अध्यापकों का और जो एक्स स्टूडेंट थे, जो भूतपूर्व छात्र होते थे,
उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी होती थी, तो उससे क्या होता था, बहुत सारे एक्स स्टूडेंट भी जोड़ते थे उससे, और ये नियमित रूप से होती थी प्रदर्शनी वो, और काफ़ी लार्ज स्केल पर होती थी। और एक हमारी जो वार्षिक कला प्रदर्शनी होती थी, उसमें सारे कॉलेज के छात्रों का जो काम था उसमें जो बेस्ट था वो दिखाया जाता था। मुझे लगता है या तो ये कह लीजिए कि अकादमी और इस तरह की संस्थाएँ नहीं थी तो आर्ट्स कॉलेज ही एक अकेला केंद्र था कला गतिविधियों का, तो पूरा शहर उमड़ पड़ता था एक तरीके से, मेले की तरीके से। ओपनिंग डे पर तो ये हालत होती थी, खचाखच क्लासेस भर जाते थे लोग। अच्छा, वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता था जिसमें लोग बड़ी रुचि लेते थे, फर्नीचर था, बहुत सारे निकनेक्स थे, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे जो लोग खरीदते थे, शहर के मानिंद लोग होते थे, यहीं से फर्नीचर ले जाते थे, गौरवान्वित महसूस करते थे, बिल्कुल बिल्कुल बैकग्राउंड में रखने में। तो काफ़ी काफ़ी सेल होती थी, तो शुरू के दिन तो वहाँ पर बस ये समझ लीजिए खरीदारी हो रही है लोगों की, तो बहुत एक अच्छा वातावरण रहा था वो, काफ़ी समय तक वो चलता रहा वो सब कुछ। पर मैं समझता हूँ समय के साथ ज़रूरतें ही बदलती हैं, सब कुछ बदल जाता है, पर हाँ वो जो दिन है मैं आज भी याद करके रोमांचित हो उठता हूँ। कि उस टीम में कौन कौन अध्यापक रहे होंगे उस समय? देखिए, नागर साहब थे, मेहर साहब थे, बद्री साहब थे, महापात्र जी थे, पवार साहब थे, बिष्ट साहब थे, ये सब तो थे ही वहाँ पर। लेकिन ये टीचर नहीं हुए रहे होंगे तब? नहीं, सब टीचर नहीं थे, सब टीचर थे। 57 में अपॉइंटमेंट हो गए थे सबके, जब मैं गया था तो देवर ऑल पाइन। बद्री साहब मेरे सामने हुए, पहले उसमें कर रहे थे बद्री साहब, ये पोस्ट डिप्लोमा एक चलता था, पोस्ट डिप्लोमा कर रहे थे बद्री साहब, उसके बाद फिर बस वो तुरंत ही टीचर हो गए थे, वो ज्वाइन ही किया था उन्होंने। स्वयं खतगिर साहब स्कल्पचर भी करते थे, पेंटिंग भी करते थे। देखिए, ऐसा था कि ये जो पुराने पाठ्यक्रम थे शांति निकेतन में या लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में, स्कल्पचर का डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। फाइन आर्ट के अध्यापकों को ही स्कल्पचर क्ले मॉडलिंग सिखाई जाती थी जी। मेरा भी जो पाठ्यक्रम था उसमें क्ले मॉडलिंग का विषय था, और ही साहब को क्ले मॉडलिंग पढ़ाते थे, तो हम सब लोग करते थे। मैंने भी काफ़ी कुछ क्ले मॉडलिंग में काम किया है, पोर्ट्रेट वगैरह भी बनाए हैं, सब काम किया। आपका पोर्ट्रेट तो है ही है, पॉटरी सिरेमिक भी बहुत सारा दिखाया है जी। और मज़ेदार बात एक बताऊँ कि जो हमारे क्राफ्ट कोर्सेज थे, तो उन्होंने फाइन आर्ट के स्टूडेंट को के लिए कंपलसरी कर दिया था कि कोई ना कोई किसी विषय में वो काम करेंगे वो। तो मैंने इंग्रेविंग में काम करना पसंद किया, वो मास्टर फूलचंद शर्मा इंग्रेविंग सिखाते थे और बहुत बढ़िया इंग्रेवर थे वो, तो उनसे मैंने इंग्रेविंग सीखी, जो बाद में मेरे बहुत काम आई प्रिंट मेकिंग में। तो एक तरीके से कहिए कि मेरी प्रिंट मेकिंग की तो शुरुआत वहीं से हो गई थी। फिर हमारे आर्ट्स कॉलेज में लिथोग्राफी भी सिखाई जाती थी, तो उसमें भी वो तो आपने मैंने किया, नहीं वो तो ऑलरेडी था वहाँ पर लिथोग्राफी का, जो प्रिंट मेकिंग सेक्शन नहीं, प्रिंट मेकिंग वो क्रिएटिव प्रिंट मेकिंग में डेवलप हुई, पर हमारे जो व्यावसायिक प्रिंट मेकिंग जो मुद्रण कला थी जी, उसका एक डिपार्टमेंट था हमारे यहाँ, ब्लॉक मेकिंग वगैरह या कमर टाइप सेटिंग या ट्रेडल मशीन के ऊपर काम करना, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ सिखाई जाती थी, क्योंकि इट वॉज़ बेसिकली ये क्राफ्ट कोर्सेज, तो उसमें उनके अंतर्गत वो आता था, तो वो चीज़ें इसमें तो सिखाई जाती थी। पर उसमें जो लिथोग्राफी का पार्ट था, जो उस ज़माने में पोस्टर छापने के लिए या उर्दू के अखबार वगैरह छापने के लिए इस्तेमाल होती थी, उर्दू के अखबार भी उसमें छपते थे लिथोग्राफी में, तो वो हमारे यहाँ चलता था वो पाठ्यक्रम। तो कभी कभी खासगी साहब ने कहा भाई लिथोग्राफी में आप कुछ कलाकृतियाँ बनाइए, तो हम लोगों ने लिथोग्राफी में भी थोड़ा सा काम किया था वो। तो इस तरीके से हम लोगों को विभिन्न विधाओं में काम करने का अवसर प्रदान किया उन्होंने, और इस बात पर उन्होंने इंटर डिसिप्लिनरी एक्टिविटी के ऊपर उन्होंने जोर दिया। इसी से बहुत आर्मी व्यक्तित्व जी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, और हमें लगता है बहुत सारे छात्र ऐसे निकले उस समय के जो आज देश दुनिया में लीड कर रहे हैं। हाँ, ऐसा है। असल में एक अवधेश, जब उस समय के कला परिदृश्य के ऊपर हम ध्यान डालते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत सारे छात्र यहाँ से निकले और बहुत अच्छा काम किया, इतने अच्छे अध्यापकों के दो चार छात्र नहीं थे, बहुत सारे छात्र निकले और बहुत स्तरीय काम किया उन लोगों ने, पर बहुत आगे तक नहीं ले जा पाए उसको। उसका कारण एक सबसे बड़ा था कि लखनऊ शहर की अपनी सीमाएं, इंडस्ट्रियाँ थी नहीं, पैटर्नेज लोकल पैटर्नेज कलाकारों का था नहीं जी।
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी थी नहीं, तो जो आर्ट्स कॉलेज में इसको जॉब मिल गया वो तो काम करता रहा, जिसको आर्ट्स कॉलेज में नौकरी नहीं मिल पाई वो यही बड़ा प्रश्न है कि इतने विद्यार्थी निकले होंगे लेकिन आज हम लोग जान पाते हैं जो आर्ट्स कॉलेज में अध्यापक रह गया बिल्कुल वो खो गया क्योंकि उनको तो सर्वाइव करना था ना, तो कब तक वो शौक की तरीके से पेंटिंग कर पाते। उन्होंने किया काम, काफ़ी लोगों ने काफ़ी लंबे अरसे तक किया, और उसके बाद हुआ क्या कि कोई ऐसी संस्थाएं नहीं थी जो उनके काम को प्रदर्शित करते। अब वो आर्ट्स कॉलेज की जो मिड टर्म शो होता था उसमें कभी कभी उनकी तस्वीरें देखने को मिल जाती थी, वो लाते थे दिखाते थे, तो उससे पता चलता था कि कुछ लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गया और वो लोग अपने किसी और व्यवसाय में या पारिवारिक व्यवसाय में लग के उनकी दिशा ही बदल गई, दिशा बदल गई, बिल्कुल आर्ट से दूर हो गए, आर्ट से दूर हो गए। आज ही एक पोस्ट जो आपने फेसबुक पे डाली है कि खास्तगीर साहब का शो की बात कर रहे हैं, एग्जीबिशन की, तब गवर्नमेंट का ने तो कोई गैलरी थी या कोई स्थानीय स्तर पे कोई ऐसी व्यवस्था थी, फिर भी आपने बताया कि नहीं, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का जो यूनियन भवन था जी सबसे बड़ा स्थान वही मिल पाया उनको, और ऊपर से नीचे तक सब को खचाखच भर के बहुत बड़े शो का आयोजन किया गया, और तबड़ा आयोजन में तो अभी तक नहीं देखा एक कोई एक एकल प्रदर्शनी इतने बड़े स्तर पे आयोजित की जाए, वो हुआ। तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, अकादमी नहीं थी, फिर भी लोग काम कर ही रहे थे और पूरा शहर देख भी रहा था कलाकारों का। अवधेश, मैंने वो भी देखा है और आज का समय भी देख रहा हूँ मैं। एक सवाल मेरे सामने हमेशा उठता है कि ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं अकादमी वगैरह, इनका उद्देश्य है कि कलाकारों को प्रोत्साहन देना, उनको आगे बढ़ाना और कला का प्रचार और प्रसार करना, और एक व्यापक स्तर पर एक पारस्परिक विनिमय की स्थिति पैदा करना, अंतर सामंजस्य बनाना। एक तत्व मैं वो देखता हूँ कि इतना खर्चा करके इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद संस्थाएं बनी, और एक वो समय देखता हूँ कि जब ये संस्थाएं नहीं थी, कुछ नहीं थी, शासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं था, कुछ पत्रिकाओं के एडवर्टीजमेंट वगैरह ले लाके या कुछ इस तरीके से करके आपस में चंदा इकट्ठा करके 1932 में UPMHR फोटोग्राफिक एसोसिएशन बनी यहाँ पर, LM सेन और शिव गोपाल वकील और एक मिस्टर माथुर, इन लोगों ने मिलकर बनाई, और कितनी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ इन्होंने आयोजित की लखनऊ में। आप भी वो सक्रिय रहे, हाँ, उसमें एक समय में मैं भी रहा। 1935 में UP आर्टिस्ट एसोसिएशन बनी, और काफ़ी लंबे अरसे तक नियमित रूप से UP आर्ट एसोसिएशन के शोज होते रहे। मैं तो छात्र था जब मैं देख रहा हूँ जैन सिंह और मदनलाल नागर, ये सब कलाकार लोग चित्र टांग रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर लाइन लगे खड़े होते थे कि हमको भी चित्र टांगने का मौका मिल जाए। आज ये भी कह रहा हूँ कि विद्यार्थियों में वो रुचि नहीं दिखाई पड़ती है, पर देखता था कि हमारे अध्यापक सीढ़ी पे खड़े के पेंटिंग टांग रहे हैं जी, तो हम लोग जाके उनके साथ लगते थे, और जो उत्साह होता था लोगों का। फिर आप ये देखिए, सब वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज को पूल करके वो लोग कर रहे हैं सब काम, वो जो आज इतनी बड़ी एकेडमी, इतनी बड़ी संस्था, इतने सारे कर्मचारियों के साथ वो नहीं कर पा रहे हैं, दे डिड इट। अब वही देखिए, मैं आज रिकॉल करता हूँ, ये दुर्भाग्य है कि हमारे पास फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उन सारी घटनाओं का जी। अगर वो खासगी साहब का शो डॉक्यूमेंटेड होता तो आप अंदाज लगा सकते थे कितना बड़ा शो था वो, जो गजनफर हुसैन सिद्दीकी ने, उन्होंने एक संस्था बनाई थी, उन लोगों ने उसको माउंट किया था वहाँ पर, कैसे व्यवस्था की थी वो, यूनियन हॉल जो एग्जीबिशन के लिए नहीं बना था, किस तरीके से उन्होंने चद्दरें कनाते टान टाँग के दीवारों को इस काबिल बनाया कि वो चित्र डिस्प्ले कर दिए जाए, सब व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिली थी, इन लोगों ने किया ऑर्गेनाइज। और वीवी गिरी उस वक्त जो राज्यपाल थे उन्होंने उद्घाटन किया, और यही मैं कह रहा था कि उस समय माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, ये सब अक्सर सुनता रहता था कि आर्ट्स कॉलेज आ जाया करते थे। मैं तो देखता हूँ, उस चीफ मिनिस्टर थे आपके संपूर्णानंद जी, जी अक्सर चले आते थे, CV गुप्ता अक्सर चले आते थे, और ऐसे नहीं होता था कि वो आए और चले गए,
वो बतियाते थे बैठ के हम लोग, वो छात्रों के बीच में बैठ जाते थे वो लोग। क्या बात ये है, हाँ रुचि तो आज राजनेताओं में आ जाए तो क्या बात है। मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे तो याद है जब पंडित नेहरू आए थे जी, कितना समय उन्होंने बताया था, कोई टीचर ऐसा नहीं था जिससे उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बात ना की हो पंडित नेहरू ने, इतना समय दिया था। विजय लक्ष्मी पंडित, पता नहीं कौन कौन सभी लोग तो आए थे, और तो जाने कितनों का पोर्ट्रेट बनाते रहते, कितना पोर्ट्रेट बनाते थे। बल्कि बड़ा मज़ा आया जब पंडित नेहरू विजिट कर रहे थे तो हनीफ साहब उनका लगातार प्लेस्टिसिन लेकर लगातार पोर्ट्रेट बनाते थे, और शुरू उन्होंने किया था और जब पंडित नेहरू की विजिट ख़त्म हुई तब तक वो पोर्ट्रेट तैयार हो चुका था, और इतना सुंदर पोर्ट्रेट हनीफ साहब ने बनाया था उनका, पंडित नेहरू का। तो उस समय अब ये मुझे पता नहीं कहाँ पर है, बहरहाल फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन उसका है। बीच में आपने जैन सिंह जी का नाम लिया, हाँ जगत नारायण सिंह से करीब करीब गायब हो चुके हैं। देखिए मैं अब इतनी सारी बातें हैं कि हम लगातार तो किसी विषय पर एक पर कर नहीं पा रहे हैं। जब जैन सिंह का आपने नाम किया तो एक दूसरा अध्याय खुल जाता है मेरी ज़िंदगी में जी। मैं जब लखनऊ आया था तो कैंट रोड पर हम लोगों ने एक मकान लिया था, तो वहाँ पर रह रहे थे, और उसी कैंट रोड में आगे चल के जैन सिंह का मकान था। अब उसको आप जैन सिंह का मकान कह लीजिए या कलाकारों की सराय कह लीजिए, जी जी, उसमें जो एंट्रेंस पुराने तरीके का मकान था, उसका जो दलीज थी, दलीज के ऊपर एक कमरा बना हुआ था, उसमें वो कमरा हमेशा लोगों के लिए, कलाकारों के लिए खुला, खुला रहता था। उसमें कभी नजमुल हसन पड़े हुए हैं, कभी जगत नारायण पड़े हैं, कभी कोई पड़े हुए हैं, तो ऐसे। और हम लोगों के लिए, अच्छा जैन सिंह के घर में ताला नहीं लगता था, हम लोग कभी भी चले जाते थे जाके बैठ के, उनके उन्होंने आंगन को अपने कवर करके बड़ा भारी स्टूडियो बना रखा था, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी थी। तो मेरे पास तो वो स्मृतियाँ हैं सिर्फ, फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और ना वो कलाकृतियाँ, वो सब उनका काम। मतलब मुझे याद है मेरे सामने मुल्कराज आनंद आए थे जी जी जी, और उन्होंने जैन सिंह का काम देख के कहा कि जैन सिंह साहब आप कहाँ पड़े हुए हैं भाई, आप क्यों नहीं इसको दिल्ली लिए प्रदर्शित करते हैं। और मुल्कराज आनंद ने बात कही थी कि जैन सिंह के काम का जो स्तर है ये कितना ऊंचा ले जा सकता है, इनको बस ज़रूरत है सिर्फ एक्सपोजर की, इनको उन्हीं को नहीं ये पूरे प्रदेश को। जी तो कहीं ना कहीं ये कमी रही है उत्तर प्रदेश में, कलाकार तो बहुत अच्छे अच्छे हुए पर उनको सही प्रोजेक्शन नहीं मिल सका। सर इसके बाद कभी रिटायर हुए होंगे खास्तगीर साहब? रिटायर साहब खास्तगीर साहब के साथ एक बड़ा भारी हादसा हुआ था 67 की बाढ़ में। खास्तगीर साहब का इतना नुकसान हुआ है, इतनी क्षति हुई उनकी, उनकी कितनी पेंटिंग बर्बाद हो गई, वो लिखते बहुत रेगुलर वे में थे, तो बड़ा सारा संग्रह उन्होंने बहुत किया हुआ था चीज़ों का, तो उनकी सारी राइटिंग, सारी उनकी डायरीज जो थी वो पानी में भीग गई, जो बहुत बड़े दस्तावेज थे। बहुत तगड़ा फोटोग्राफी का शौक था और एक से एक लोगों के उन्होंने फोटोग्राफ खींचे हुए थे, वो सब नष्ट हो गए, सारी ट्रांसपेरेंसीज उनकी पानी में सड़ गई, और यही नहीं वो बीमार भी हो गए, एकेडमिक लॉस वो सब, तो वो बीमार काफ़ी पड़ गए। और हॉस्टल के पास एक छोटा सा, जिसमें बाद में सतीश रह रहे थे, वो उन्होंने एक छोटा सा एक कमरे का अपने लिए स्थान बनाया, क्योंकि वहाँ पर इतनी सीलन हो गई थी प्रिंसिपल बैंगलोर में कि उस पर रहा नहीं जा सकता था। तो खासगी साहब यहाँ के शिफ्ट हो गए और ऊपर उन्होंने सामान वान रखना रख दिया। काफ़ी समय हमें लगता है शांति निकेतन भी जाके रहे वो? नहीं, वो फिर 1962 में वो शांति निकेतन चले गए छुट्टी लेकर। वो इतना अस्वस्थ फील कर रहे थे कि उनको एक ब्रेक की ज़रूरत थी, वो चाहते थे एक परिवर्तन को चाहिए था जी। तो शांति निकेतन चले गए, फिर वो लौट के नहीं आए वहाँ से, वहीं से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। पर लखनऊ से उनका लगाव ऐसा था कि वो अपनी बड़ी बारी कला संपदा वो लखनऊ स्टेट एकेडमी को दे गए, साथ में एकेडमी को भी दे गए हैं, संगीत नाटक एकेडमी में भी कुछ पेंटिंग नहीं, उनकी बहुत जगह पर लगे हैं उनके काम, उनकी मूर्तियाँ वो काशी विद्यापीठ में भी लगी हुई हैं, टैगोर की और गांधी की, और बहुत जगहों पर हैं। यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने की ज़रूरत है। ज़रूरत तो है। सर आज आपसे तो
खास्तगीर साहब के बारे में इतनी बातें हो गई कि एक ऐसी खिड़की खुल गई है जिससे हम लोग आर्ट्स कॉलेज के पुराने दिनों में झांक सकते हैं। हमें लगता है कि आपसे ऐसे अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों के बारे में चर्चा करके हम नई पीढ़ी को बहुत कुछ दे पाएंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं।